बायजूस जो कुछ साल पहले दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एटेक स्टार्टअप था, आज बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है। उनको फंडिंग के इश्यू हो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट पॉलिसी से जूझना पड़ रहा है, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जूझना पड़ रहा है, उनके बहुत सारे लीगल बैटल्स हैं। इसकी वजह से कंपनी की स्टेबिलिटी पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, और ये सब ठीक करने के लिए उनको $1.5 बिलियन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, वो भी सारे के सारे इंटरनल इश्यू को झेलते हुए इनको ये फंडिंग सिक्योर करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि क्या बायजूस इतनी फंडिंग उठा पाएगा अपने सारे इंटरनल इशू के साथ, या फिर बायजूस एक फेल्ड स्टार्टअप बनने वाला है। हमको इन सारी प्रॉब्लम के साइंस मिलने लगे इस साल के शुरुआत के अंदर, जब न्यूज आने लगी कि बायजूस ने जितनी भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है अपने ऑफिसेज के लिए, उनकी पेमेंट वो टाइम पे नहीं कर रहे। बैंगलोर के अंदर बायजूस के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग 500,000 square foot का कल्याणी टेक पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिस जिसका मंथली रेंट है 3 करोड़ रुपी, और इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज लीज ली रखी है अपनी कॉर्पोरेट कंपनी के नाम पे जिसका नाम है थिंक कल्याण प्राइवेट लिमिटेड। जुलाई तक बायजूस ने बहुत सारा अपना ऑफिस स्पेस खाली कर दिया था ब्रुकफील्ड के अंदर, और अपने एम्प्लॉयज को बोलने लगे कि आप वर्क फ्रॉम होम करो या अल्टरनेट लोकेशन देखो अपने घर के बाहर जहाँ से आप काम कर सको। इससे ही पता लगने लग गया था कि बायजूस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरे नहीं कर पा रहा है। सिर्फ रेंट ही नहीं, बायजूस अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड भी इस साल नहीं दे पाया है, उन्होंने उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिले किया है। और यही नहीं, बायजूस ने अपनी वर्क फोर्स को आधे से ज्यादा रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को फायर किया है। पिछले साल मई 2022 तक इनके पास 58,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, और अगर हम इस साल की बात करें मई जून जुलाई के बाद की, इनके पास 24,000 एम्प्लॉयज हैं। इसका मतलब इन्होंने आधे से ज्यादा लोगों का 60% लोगों का सफाया कर दिया अपनी टीम। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है प्राइवेट सर्कल रिसर्च से। हमको और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को तब मिलती है जब हमें पता चलता है कि बायजूस के स्टैचुरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, और इनके 3 मेंबर ऑफ बोर्ड जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं, जीके रविशंकर ऑफ पी एक्सवी पार्टनर्स, विवान वू ऑफ द चैंग जुकरबर्ग इनिशिएटिव एंड रसल एंडरसन ऑफ फोरस एनवी, इन लोगों ने अपने डिफरेंसेस बताए हैं बायजूस रविंद्रन के साथ जो कि बायजूस के फाउंडर हैं। इन सब ने बायजूस को छोड़ते टाइम बताया है कि हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बायजूस रविंद्रन के साथ। और इन सभी लोगों के बोर्ड छोड़ने के बाद बोर्ड के अंदर जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो बायजूस खुद हैं, उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ और रिजू रविंद्रन। डेलॉयट हेस्किंस एंड सेल्स बायजूस के जो ऑडिटर है, उन्होंने मैंडेट किया है एक्सटेंडिंग 2025 एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशंस, और ये कंसर्न्स उन्होंने 2022 से 2021 के फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी दिखाए। और अभी तक आप देखोगे तो 2021 से 2022 के जितने भी फाइनेंशियल थे फाइनलाइज हो ही रहे हैं। इन्वेस्टर्स और ऑडिटर के जो क्लोज रिसोर्सेज थे, उन्होंने बताया कि जब इंक्वायरी की गई उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में तो बहुत ज्यादा अनइजीनेस थी, सारे के सारे डिटेल्स नहीं दिए जा रहे थे कंसर्न अथॉरिटीज को। एक टाइम को जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप बन चुका था विद अ वैल्यूएशन ऑफ $22 बिलियन, उनके एम्बिशन थे कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एडटेक को रिवोल्यूशनाइज करेंगे, आज वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने लोन ले रखा है, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। अगर बायजूस को नए इन्वेस्टर्स चाहिए और उनको चाहिए कि ये अपनी जितनी भी कंपनी की सक्सेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करें, तो डेफिनेटली इनको अपने सारे के सारे जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, सारी की सारी रिपोर्ट प्रॉपर टाइम पे देनी पड़ेगी। और डेफिनेटली इस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को हायर किया है अप्रैल 2023 के अंदर। लगता है इसके बाद शायद कुछ चीजें सही होंगी इनकी कंपनी के अंदर। तो जितने भी नए इन्वेस्टर्स थे वो डेफिनेटली कॉशियस हैं बायजूस के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, उनको बहुत सारे ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ेगी। अगर वो इन्वेस्ट करते भी हैं बायजूस के अंदर तो जो पहले का वैल्यूएशन था $22 बिलियन का वो तो नहीं मिलने वाला है इनको। डेफिनेटली जो नया वैल्यूएशन रहेगा बहुत कम रहेगा, और बहुत ज़्यादा इनको क्रॉस चेक करनी पड़ेगी चीज़ें बिफोर इन्वेस्टिंग इन बायजूस। तो बायजूस को डेफिनेटली एक बहुत बड़े क्लस्टर के अंदर से निकलना पड़ेगा, उनको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में देखना पड़ेगा, जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज उनकी कंपनी के अंदर हुए हैं उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और प्रॉपर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को और कंसर्न अथॉरिटीज को देनी पड़ेगी। और जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ताकि लोग इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि अगर किसी के पास ट्रस्ट नहीं है ना आपकी कंपनी पे तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले। और जो ये हमको आउटकम मिल रहा है बायजूस की तरफ से, ये सिर्फ बायजूस को ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे के पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हमको पूरे के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को अच्छी तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर लेके जाना है, तो हमको ये सारे के सारे इश्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे जो हमको इन स्टार्टअप्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो बायजूस की कहानी वो ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी, बायजूस की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जब 2011 के अंदर शुरू किया था तो इनका एक विजन था, इनका एक मिशन था, मुझे लगता है कि इनको उसी को लेके चलना चाहिए। अगर हम शुरू से बायजूस की बात करें तो बायजूस रविंद्र ने खुद
टीचर थे, वो लोगों को पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे इनको ज्वाइन करना शुरू किया और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ। बायजूस रविंदर अजीकोडे से आते हैं, जो केरला के अंदर एक सिटी है, एक प्लेस है, वहां से वो आते हैं। और डेफिनेटली इनका जो शुरू का करियर था वो एडटेक के अंदर नहीं था, ये एक इंजीनियर थे। और वहां से जब इनको लगा कि इनके जितने भी यू नो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके बच्चों को, उनके यू नो रिलेटिव्स को इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कैट के लिए मैथ की ट्यूशन नहीं शुरू की, तो इनके टीचिंग मेथड्स लोगों को इतने पसंद आए कि इनको इनकरेज किया लोगों ने कि आप इसको एक कंपनी के अंदर तब्दील करो और आप इसको बड़ा बनाओ। तो अगर आपने बायजूस ऐप यूज़ किया ना, तो आपको पता है कि बायजूस रविंद्रन का टीचिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल करके समझाते हैं और डेफिनेटली इनके तरीके हैं जिनकी वजह से लोगों को समझ भी आता है। अगर आप 6th-7th क्लास की तैयारी कर रहे हो, 1st-2nd क्लास की तैयारी कर रहे हो, या आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनको हर चीज स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझाने के अंदर पूरी की पूरी महारत हासिल है। इनको पता है कि कैसे किस स्टूडेंट को कैसे समझाना है, उनका मेंटल लेवल क्या है और कैसे चीजों को ब्रेक डाउन करना है ताकि हर किसी को समझ आ जाए। और इसी वजह से इनकी वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी बढ़ी और बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। और जब हजार लोग इनके पास आने लगे तो इनको डेफिनेटली एक नीड हुई, इनको लगा कि मेरे को ऐसा कुछ डेवलप करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, जो सिर्फ हजारों नहीं लाखों और करोड़ों लोगों को पढ़ा सके। और तभी इनके दिमाग में बायजूस का आइडिया आया। 2011 के अंदर बायजूस ने अपनी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्च किया और वहां पे उन्होंने नीट और जेई के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। और बायजूस की ऐप ने पूरा का पूरा जो लर्निंग इकोसिस्टम था उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया, क्योंकि अगर आप इनके ऐप के अंदर जाओगे तो इनके जो टीचिंग मेथड्स हैं, वीडियो लेसन्स हैं, वो एनिमेशन के साथ आते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप एक्चुअल में जो सीख रहे हो उसको आप देख के सीख रहे हो। और डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को देख के सीखते हो ना, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए उस चीज़ को डिटेन करना। और ये मेथड्स बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ आने लगे और इसी वजह से उनको रैपिड ग्रोथ मिला। एंड ओवर द ईयर्स बायजूस ने यू नो किंडरगार्टन से लेके हायर एजुकेशन तक के सारे कोर्सेज आने लगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, इसलिए इनकी रीच बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंची। और इन्होंने डेफिनेटली बहुत सारी पार्टनरशिप्स की, जैसे आपको पता है इन्होंने आकाश को एक्वायर किया, टॉपर को एक्वायर किया, वाइटहेड जूनियर को एक्वायर किया। इन एक्विजिशन से भी इनका जो बेस था वो बहुत स्ट्रांग हो गया और बहुत सारे लोग इनको जानने लगे। और जब इतना बड़ा बेस बना, इतनी सारी फंडिंग आने लगी, इतने सारे एक्विजिशन होने लगे, तो डेफिनेटली इनके पास पैसा था और इन्होंने वो पैसा बहुत सही जगह इन्वेस्ट किया। इन्होंने हाई प्रोफाइल मार्केटिंग की जिसके अंदर ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लेके आए और उसकी वजह से इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और बहुत अच्छा ब्रांड बिल्ड हुआ। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए इनका ग्रोथ बहुत ही से बड़ा, इनको एक वैल्यूएशन मिला जो $22 बिलियन का था। इन्होंने सिर्फ इंडिया का मार्केट ही नहीं, यूएस के मार्केट को भी टैप किया और ये बहुत चुनिंदा कंपनियों में से बनी इंडिया की जिन्होंने यूएस के मार्केट को टैप किया और वहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई। लेकिन जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की, इनको 2021 से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से आई क्योंकि इनकी जितनी भी अकाउंटिंग थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी और इन्होंने जैसे एक्विजिशन किया वाइटहेड जूनियर का, उनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी थी जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और ट्रस्ट जो कंज्यूमर के अंदर था, जो इन्वेस्टर के अंदर था, वो टूट गया। इसी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर आ चुकी है और डेफिनेटली न्यू राउंड ऑफ फंडिंग भी नहीं उठा पा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, हम देखते हैं कि क्या बायजूस फंडिंग उठा पाएगा, क्या अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा और क्या ये एक विनर की तरह निकल पाएगा। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।